हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सेलो टेप से मेहंदी डिज़ाइन। सुन के थोड़ा आपको अलग लग रहा होगा कि सेलो टेप से डिज़ाइन हो सकती है। हाँ, क्योंकि जो न्यू है, बिगनर्स है, उनसे अच्छी डिज़ाइन निकाल नहीं पा रहे, तो उनके लिए बेस्ट है, एक यूनिक आइडिया है। और इसमें पहले हमें सबसे पहले अपने हाथ में अलग अलग डिज़ाइन बनाना है, तो उस हिसाब से आपको सेलो टेप लगा लेना है क्रॉस करके। और आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से सेलो टेप लगा रही हूँ। तो सबसे पहले पूरे हाथ में हमें सेलो टेप लगा लेना है, और उसके बाद फिर हमें अपना डिज़ाइन शुरू करना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी फाइन लाइंस होगी, अच्छे से आप लाइन ड्रॉ कर पाओगे अगर आप न्यू हो तो। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, अब देख सकते हो कि मैंने पूरे हाथ में टेप लगा लिया है। अभी हमें जो हमारा जो ट्राइंगल है, तो पहले उसको हमें जहाँ जहाँ सेलो टेप है उस लाइन में हमें इस तरह से पहले कौन से लाइन ड्रॉ कर लेनी है, सेलो टेप जहाँ पे है वहाँ पे। तो पहले सब जगह हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे, और फिर उसके बाद फिर हम इस तरह से कौन से एक डिज़ाइन फिलअप करेंगे। यहाँ पे मैं फ्लावर का डिज़ाइन बना रही हूँ, तो इस तरह से पहले एक ही डिज़ाइन पकड़े और उसी डिज़ाइन से पूरा जो एरिया है उसको फिल कर दीजिए। तो आप देख सकते हो कि मैं ऐसे हाफ सर्कल करके फिर उसके ऊपर फ्लावर बना रही हूँ, उसके बाद वापस उसको हाफ सर्कल कर रही हूँ। तो उस तरह से पूरा डिज़ाइन आप फिल कर लीजिए, और जहाँ जो भी आप पोर्शन सिलेक्ट करते हो उसमें सेम डिज़ाइन रखिए, तो उससे लुक अच्छा आता है। तो आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको इसमें एक बहुत अच्छा डिज़ाइन आप इससे निकाल पाओगे। और दूसरा, अगर आपको ये कौन से डिज़ाइन इस तरह से नहीं बनाना, तो और एक सिंपल वे है कि आप सेलो टेप लगा लीजिए, और उसके बाद फिर पूरे हाथ पे मेहंदी लगा दीजिए। पूरे हाथ को मेहंदी से लगा देना है सेलो टेप के साथ। फिर जब मेहंदी सूख जाए, उसके बाद आप सेलो टेप निकाल लीजिए, तो भी बहुत अच्छा डिज़ाइन बन जाता है, सिंपल सोबर डिज़ाइन बन जाता है, अगर आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी तो। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि मैं किस तरह से डिज़ाइन बना रही हूँ। तो सब पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा।